नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, और रिश्ते में रहकर भी अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 24 से लेकर 30 जून तक। 24 से लेकर 30 जून तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप इसे याद रखिएगा। इसमें हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, पास्ट से कोई आपके लाइफ में इंजन आ सकता है या नहीं, कोई नया आ रहा है या नहीं, और एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी देख लेते हैं। एक्वेरियस 24 से लेके 30 जून तक आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। एक्वेरियस नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप किसी के तरफ एक्सटर्नल लव ऑफर से साथ किसी के तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई आपके तरफ एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आए। जो भी हो किसी स्टेबल लव ऑफर के बारे में मुझे लगता है आप सोचोगे इन दिनों, और हो सकता है आप खुद मैनिफेस्ट करोगे या फिर आप कहीं लव ऑफर के साथ किसी के तरफ जाने के बारे में सोच भी सकते हो। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट में मुझे लगता है आप थोड़ा इनडिसाइसिव थे, या तो आपके पास दो रिश्ता था या फिर दो रिश्ते में आप चूज नहीं कर पा रहे थे किस रिश्ते पे आपको जाना है, रिश्ते में खुद को इन्वॉल्व करना है। तो पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव था, पास्ट में आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, साथ ही साथ पास्ट में आप थोड़ी मतलब कैजुअल एनर्जी में थे, ये भी मैं बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ कि आपके पास हो सकता है दो दो रिश्ता था, तो किसी रिश्ते को आप सीरियस सोच रहे थे, किसी रिश्ते को आप कैजुअली ले रहे थे, या फिर आप ऐसा सोच रहे थे कि दोनों ही अच्छा है, दोनों को ही रखा जाए। पास्ट में ऐसी आपकी एनर्जी थी। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है लिब्रा सॉरी एक्वेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी एक्वेरियस। सिक्स ऑफ सोर्स, मुझे लग ही रहा था कि प्रेजेंट में आप किसी एक रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपको जो चीज सर्व नहीं कर रहा है, मतलब अगर आपके पास दो रिश्ता था तो किसी एक रिश्ते को आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो और नए रिश्ते के तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो। हालांकि फिलहाल आप खुद को सिंगल मानते हो क्योंकि आपके पास अभी कोई रिश्ता स्टेबल तरीके से नहीं है, आप किसी रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो अभी अभी, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो आपका आया था वो स्टेबल लव ऑफर का, तो प्रेजेंट में मुझे लगता है आप रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो ऑलरेडी, तभी आप सिंगल हो और तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। मतलब ना चाहते हुए भी दोनों रिश्ते में आप स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाए, बैलेंस नहीं कर पाए,
तो आपने मूव ऑन करना सही समझा और आप ऑलरेडी कर चुके हो। देख लेते हैं क्या पास्ट से आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में इन दिनों। अगर आप पास्ट से किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि पास्ट से आपके लाइफ में, खास करके इन दिनों जो वक्त मैंने बताया उसमें से कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने खुद ही मूव ऑन करने के बारे में सोचा और आपने मूव ऑन ऑलरेडी कर भी लिया है, तो कैसे आएगा पास्ट से कोई। पास्ट से आपके लाइफ में इन दिनों किसी के आने की आसार तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे कि नया कोई क्या आपके लाइफ में आ रहा है। डेफिनेटली आ रहा है, तभी तो आपके जो ओवरऑल एनर्जी था उसमें नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आया था। तो नया डेफिनेटली आ रहा है आपके लाइफ में कोई, जिसके साथ आप शादी स्टेबिलिटी जैसा कुछ सोच सकते हो, जिसको मिल के आपको ये लगेगा कि अरे ये तो मेरे सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। या फिर अगर आप बहुत दिनों से अकेला हो, आपके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, कोई नहीं है, इंडिसाइसिव आप हो, परेशान हो, रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो, तो अभी आपके लाइफ में कोई स्टेबल ऑफर आ रहा है, या फिर आप किसी को स्टेबल ऑफर दे रहे हो, कोई बंदा या बंदी आपके तरफ शादी के ऑफर लेके आ रहा है, या फिर आप किसी को शादी की ऑफर दे सकते हो। जो भी आएगा, जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा, वो आपके साथ एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आएगा और आप शायद उनको स्टेबल ऑफर दो, शादी कर लो, स्टेबिलिटी हो, बच्चे, परिवार, रिश्ते, इन चीजों में आपकी फोकस रहेगा। हो सकता है आप उनके साथ एक लॉन्ग लाइफ जीने के बारे में सोचो, आपको लगे कि ये मेरे सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है। बंदा स्ट्रॉन्ग माइंडेड बंदा या बंदी होगी, स्टेबिलिटी इनमें रहेगी और पूरी तरीके से आपके साथ एक लंबा रास्ता जाने की तैयारी करके ये आएगा। अभी हम देख लेते हैं कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस, आस्क योर एंजल, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, इन योर नियर फ्यूचर आपको जो भी करना है, अपने इनर जो वॉइस है, इनर जो सोल, हर किसी का एक इनर वॉइस होता है, हम सभी अपने अंतरात्मा की सुनते हैं, तो आपको अपनी इनर सोल की भी सुननी है। साथ ही साथ अगर आपको और कुछ जानना है तो आपको यूनिवर्स से पूछना है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर बहुत दिनों से आपकी लाइफ में परेशानी चल रहा है, रिश्ते में परेशानी चल रहा है, क्योंकि ये सिंगल्स का भी रीडिंग है, और आपके लाइफ में अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको यूनिवर्स से अच्छे कुछ हो जाए इसके लिए मदद मांगनी चाहिए। यूनिवर्स से आपको प्रेयर करनी चाहिए कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, और अगर अच्छा कुछ आ रहा है कम से कम ये स्टेबल हो जाए, लाइफ में ये स्टेबिलिटी मिल जाए और आपको अच्छे ब्लेसिंग्स मिले, अच्छे रिश्ते मिले, लाइफ पार्टनर मिले, इसके लिए आपको यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स मांगनी पड़ेगी और मदद भी मांगनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।